पुनः हम प्रश्न लेते हैं, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। ठीक बच्चों, इसका मुख्य मान निकालना है। जैसे ही मुख्य मान पूछा गया तो आपको समझ जाना है उस फंक्शन का रेंज को ध्यान पर रखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, मान लो ये क्या देता है, y देता है। अब पहले ही बताया जा चुका है कि हमको y का मान टेन इनवर्स फंक्शन के रेंज के अंतर्गत आना चाहिए, तो उसके रेंज को यानी परिसर को आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो अंदर दिख रहा है साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, इसको याद रखना है। तो इसको सरल करते हैं हम लोग, तो टेन इनवर्स ऑफ ये हो गया आपका क्या, माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू वाई, ये ध्यान रखना है। अब टेन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू यानी साइन 90, साइन 90 कितना होता है बच्चों, माइनस वन। तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वाई। अब आपको पता है कि ये एकाएकी आच्छादक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो आप लिख सकते हैं चूंकि यह यानी टेन इनवर्स फंक्शन एकाएकी आच्छादक है। तो आप साइड में आप लिख सकते हैं इसको दर्शाने के लिए। तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वाई, देन टेन वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमको देखना है कि माइनस वन कितने का टेन है, ये देखना है। तो इससे पहले आप इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या, वन जो होता है टेन पाई बाई फोर का मान होता है। ठीक है बच्चों, अब हमको लेना है क्या, इस माइनस को आपको हटाना है। ठीक है, कैसे हटाएंगे, तो इसको ध्यान पर रखते हुए हटाएंगे। इसके लिए आप परिसर को याद रखें, तो यहाँ पर हम इनके परिसर को याद रखते हैं। चूँकि टेन इनवर्स फंक्शन जो होता है, ये टेन इनवर्स फंक्शन जो होता है, चूँकि वाई निकालना है ना, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन मतलब वाई, तो वाई निकालना है तो आपको इसका मान देखना पड़ेगा। तो ये आपको टेन इनवर्स फंक्शन का रेंज को जानना है। सिंस टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, अर्थात वाई जो है यानी टेन इनवर्स माइनस वन जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर। ठीक है बच्चों, क्यों, ये भी आप याद रखें, टेन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन एक्स, ये ध्यान रखें। तो देयरफॉर लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू
माइनस पाई बाई फोर। तो अब हम y का मान यहाँ रख देते हैं। y आपने क्या माना था? There implies tan inverse of sine of माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। बच्चों ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब आप देखेंगे कि जो टेन इनवर्स जो होता है, आपको पहले बताया जा चुका है डायग्राम पे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो आपका माइनस पाई बाई फोर कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन पे, ये माइनस पाई बाई फोर। और आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो पहला और चौथा चतुर्थांश में होता है। तो इस प्रकार से हम रिजल्ट दे सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, cot ऑफ पाई बाई टू माइनस टू cot इनवर्स ऑफ रूट थ्री का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हमें उचित प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। माना कि इसको हल करते हैं, क्या प्रतिस्थापन करें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो cot इनवर्स रूट थ्री, ये जो इनवर्स फंक्शन है, इसको हम ले लेते हैं y, cot इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू y, देयर एम्प्लाइज cot ऑफ y इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको देखना है बच्चों, सिंस ये हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन है तो ये जो वैल्यू देगा वो अपने रेंज के अंतर्गत देगा। तो इसका रेंज क्या है, तो लिख लेते हैं बच्चों, cot इनवर्स x का जो रेंज या जिसको परिसर कहते हैं वो होता है 0 to π इन ओपन इंटरवल है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर cot इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to π, अर्थात y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, अतः cot ऑफ y इज इक्वल टू cot ऑफ पाई बाई सिक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रूट थ्री क्या लेना है जो इसके अंतर्गत आए, तो रूट थ्री cot पाई बाई सिक्स का मान है। तो इसको चूंकि पाई बाई सिक्स इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए y इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स विच बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to π। देयर एम्प्लाइज cot इनवर्स ऑफ रूट थ्री इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। देयर फोर cot ऑफ इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, पाई बाई टू माइनस टू cot इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा cot ऑफ पाई बाई टू माइनस टू इंटू पाई बाई सिक्स। तो क्या आ गया बच्चों, ये cot ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री, यानी 90 में 60 घटाओ 30, यानी cot पाई बाई सिक्स, और cot पाई बाई सिक्स का मान होता है बच्चों रूट ऑफ 3। यही हमारा फाइनल जवाब होगा।